सामने आप देख रहे हैं खाटू श्याम जी का तोरण द्वार, जो कि दिल्ली धाम के अंदर भी यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं आप। चढ़ावा चढ़ा जाता है और खाटू श्याम जी का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये पूरा जो है अशु धातु से निर्मित है, देखिए फूलों से पूरा ये सजा है। हमारी गाड़ी जो है दिल्ली धाम खाटू श्याम के दरबार में जो है आ चुकी है। जय श्री श्याम भक्तों, अभी हम आपको लेके आए हैं खाटू श्याम धाम, जो कि दिल्ली के अंदर है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर तोरण द्वार का भी निर्माण हो चुका है यहाँ पर, तो हम आपको दर्शन कराएंगे खाटू श्याम जी के। तो पूरी वीडियो को देख कर जाना और काफ़ी आपको आनंद आने वाला है, और कमेंट में खाटू श्याम जी जरूर लिख के जाना। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराएंगे यहाँ पर। आप किस तरह से आ सकते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम दिल्ली धाम अभी हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो आने का रास्ता है वो दिल्ली की तरफ से है। यहाँ से दिल्ली वाला रोड है, इस तरफ वाला सोनीपत वाला रोड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम आपको खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन कराएंगे अंदर से। तो चलो चलते हैं, और काफ़ी जो है हमें आनंद आ रहा है यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे तोरण द्वार के भी। यहाँ दिल्ली धाम के तोरण द्वार के भी दर्शन आपको हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम में, और ये रास्ता बना हुआ है कुछ इस तरीके का। यहाँ से होते हुए आपको जाना है, और आप यहाँ से जब दिल्ली से इस तरफ से आप आओगे ना, तो इधर अंदर जाकर आप पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। टू व्हीलर फोर व्हीलर से अगर आप आ रहे हो तो पार्किंग देखिए, यहाँ से पार्किंग एरिया है। तो चलिए चलते हैं अंदर, खाटू श्याम बाबा की जय, और दर्शन कराते हैं। काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, चलो चलते हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। ये देखिए कितने बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा होता है, और ये है रास्ता। अभी जैसे ही आप दर्शन करने आएंगे ना, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, पूरा भरा होता है। तो यहाँ पर आप चरण चिन्ह के जो है प्रवेश द्वार है, जो है 2100 किलो के अशु धातु से निर्मित, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा जो है अशु धातु से निर्मित है, देखिए फूलों से पूरा ये सजाया हुआ है खाटू श्याम जी का दरबार। आगे अंदर दिखाएंगे आपको, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आपने दर्शन कर लिए, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ से जाना है, दर्शन करते हुए चलते हैं। और रात में जो है पूरी लाइटें वगैरह जो है यहाँ पर चालू हो जाती है, और खाटू श्याम जी के आप दर्शन करने आ रहे हैं ना, तो आपका दिल जो है काफ़ी मतलब शांति भरा हो जाएगा, आपको काफ़ी शांत महसूस होगा। कोई भी परेशानी होगी, दुख वगैरह होगा, तो वो दूर हो जाते हैं, निवारण हो जाता है उस चीज़ का। तो चलो चलते हैं, बाकी आपको यहाँ से होते हुए जाना होगा, देख सकते हैं। और उस तरफ जो है प्रसाद वगैरह भी मिलता है, अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, देख सकते हैं। भैया कितने का है प्रसाद? 50-100। अच्छा 50 रुपये का है, जिसमें नारियल और फूल वगैरह और गुलाब मिलते हैं, देख रहे हो ना। अच्छा ये 100 का है, और ये 30 का है, तो देख सकते हैं इस तरह। और निशान कितने का था? निशान कितने का? निशान 50 का। तो निशान जो लेकर है ना, जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं, जो कि पैदल पैदल जाते हैं यहाँ तक, मतलब दूर दूर से जो है श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, पैदल पैदल आते हैं। बाकी यहाँ पर आप खाने पीने की व्यवस्था बना रखी है, जो कि आप खा पी सकते हैं। यहाँ पर सामने देखिए स्टॉल वगैरह है, जो कि आप कुछ भी आपको खाना पीना है तो आप खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, चाय वगैरह भी मिल जाएगी। तो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर जो है उपलब्ध कराई जा रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से होते हुए जाना है हमें, तो मतलब पूरा जो है इन्होंने यहाँ पे जालियाँ लगा रखी इस टाइप से कि मतलब लाइन से कोई इधर उधर ना हो, बिल्कुल आप एकदम सीधे रास्ते से जाओगे, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो ना, इधर है तोरण द्वार। ये तोरण द्वार बनाया हुआ है यहाँ पर दिल्ली धाम वाला, और यहाँ से जाकर आपको दर्शन करने हैं। तो अभी इस साइड से हम जाएंगे ना, तो अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा तोरण द्वार कैसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है अपनी श्रद्धा अनुसार, देख सकते हैं। और ये जो है चिन्ह जो लोग लेके आते हैं वो यहाँ पर चढ़ा देते हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो चलो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। यहाँ पर सामने जो है खाटू श्याम दिल्ली धाम की जो है 65 फुट गहरी फाउंडेशन पर 1500 किलो अशु धाता से निर्मित
शक्ति पीठ है, देख सकते हैं 1500 किलो की अशुधाता धातु से बनी हुई, देख सकते हैं ये शक्ति पीठ है, तो उसके दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए तो दिखाते हैं हम आपको लेके जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से यज्ञ करने का कुंड बनाया हुआ पूरा, जब यज्ञ किया जाता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। काफ़ी जो है सुंदर जो है हम आपको यहाँ पे शक्ति पीठ वगैरह दिखा रहे हैं, देख सकते हैं अशुधाता से निर्मित है ये। देखते हैं सब जो है श्रद्धालु जो है घंटी बजा रहे हैं, और अभी हमें यहाँ जाना है तो चलो चलते हैं। यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो सामने आप देख रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए लेके आ गए हम, अभी हम यहाँ से जाएंगे और आपको सामने से दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दर्शन कर सकते हैं गणेश जी के, और यहाँ पर देख सकते हैं खाटू श्याम जी दिल्ली दरबार, काफ़ी आनंद आता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है चढ़ावा चढ़ाया जाता है और खाटू श्याम जी का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। काफ़ी जो है सुंदर दृश्य हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आप भी यहाँ आते हैं खाटू श्याम जी के जो है दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको। तो इसकी परिक्रमियाँ कर रहे हैं हम, आगे गोल चक्कर लगाते हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये गुफा बना रखी है देखिए। तो ये यहाँ से हमने परिक्रमा करी, वहाँ से आए थे घूम के, और यहाँ से अब हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, देख सकते हैं। तो काफ़ी जो है आनंद आया और काफ़ी जो है अच्छा था, खाटू श्याम जी के दर्शन करें काफ़ी अच्छा लगा। और ये यहाँ पर जो है आप टीका वगैरह लगा सकते हैं, टीका लगवाया जाता है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर घर बनाया जाता है, तो ये लोगों की श्रद्धालुओं की ये है मनोकामना कि अगर यहाँ पर घर वगैरह बनाते हैं तो घर असलियत में भी आपका घर बन जाता है, घर मिल जाता है नया घर। तो ये इस तरह से यहाँ पर घर बनाए जाते हैं, देख सकते हो ना सारे श्रद्धालु, देखिए ईंट उठा के जो है घर बना रहे हैं, देखिए पूरा वहाँ तक जो है घर बना रखे हैं, देख रहे हो। तो खाटू श्याम जी के यहाँ पे अष्ट धातु से बना हुआ 800 किलो का हिंदुस्तान का पहला घंटा है, देख सकते हैं कितना बड़ा है, अष्ट धातु से बना हुआ है, देख सकते हैं। और देखिए कितनी मेहनत से खींच रही है, और घंटा बनाने में भाई कितनी मेहनत लगती है, देख रहे हो। और सामने है खाटू श्याम जी का जो है दरबार, सामने देख सकते हैं, दर्शन कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चे जो है नृत्य करके भी दिखा रहे हैं, देखिए कितना शानदार लग रहा है, यहाँ पर डांस कर रहे हैं, देख सकते हैं सामने खाटू श्याम जी के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं खाटू श्याम जी के, देखिए तो देख सकते हैं हम आपको पूरा यहाँ का दर्शन करा रहे हैं, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है हमें, देख सकते हैं पूरा वहाँ तक, देखिए कितना अद्भुत लग रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं पूरे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर, और श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना लेकर आते हैं यहाँ पर। बाकी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है झूले लगे होते हैं, जो कि आप झूले झूल सकते हैं, आप अगर फैमिली वगैरह से आ रहे हैं तो यहाँ पर झूले झूल सकते हैं, काफ़ी आनंद आता है, झूले लगे हुए हैं उधर, घंटा लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ब्रिज की तरफ, सिग्नेचर ब्रिज है भाई, देख रहे हो ये सिग्नेचर ब्रिज बना रखा है, और ये यहाँ पर इस तरह से प्रतिमा बना रखी है पूरा, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, वाह। और ये यहाँ पर जो है देख सकते हैं हाथी बनाया हुआ है, और उधर बच्चे जो है गाड़ी पे चला सकते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं भाई सिग्नेचर ब्रिज है ये जो बना हुआ है ना, और इधर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आप फोटो वगैरह भी खींचवा सकते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, झूला भी बने हुए हैं, झूले भी झूल सकते हैं। तो और ये देखिए यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज में फ़ोटो वगैरह भी आप खिंचवा सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, झूले वगैरह भी हैं, और यहाँ पर आप सेल्फी बूथ भी बन रखा है जिसमें आप फोटो वीडियो बना सकते हैं। और एक ये है बोट, यहाँ पे बोट भी बनी हुई है भाई, बोट के ऊपर आप बैठ के आराम कर सकते हैं, देखिए कितने जो है सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर झूला भी यहाँ पर लगे हुए हैं, बच्चों के झूलने के लिए झूले भी हैं भाई, देखो बच्चे जो है आनंद ले रहे हैं, देखिए वहाँ से जा रहे हैं, कितना जो है ना
सुंदर जो है यहाँ पर आने के बाद आपको लगने वाला है और काफी आपका दिल है काफी खुश हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बाकी खाटू श्याम जी के जो है यहाँ पर फूलों से बना हुआ है दिल्ली धाम। देखिए ये भारत का नक्शा बना हुआ है। देखिए कितना ज्यादा जो है खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। वाह, यहाँ पर आप फोटो वगैरह भी करवा सकते हैं, फोटो वगैरह यहाँ पर फोटो भी कर सकते हैं। बाकी ये 360 सेल्फी बूथ है जिसमें आप वीडियो वगैरह बना सकते हो। तो चलो चलते हैं लेकर आपको स्वर्ग द्वार में। ये होने वाला है स्वर्ग द्वार, भारत नमो धाम। भारत नमो धाम भी है और उधर आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, देख रहे हो। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर ऊँट है, ऊँट की सवारी अगर आपको करनी हो तो 50 से 80 रुपए के बीच में ये आपसे लेते हैं, ये ऊँट की सवारी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये ऊँट जो है सवारी शुरू हो गई है, तो ऊँट के भी आप जो है यहाँ पर सवारी कर सकते हैं, देख रहे हो ना। पूरा ये वहाँ तक आपको लेके जाते हैं और फिर वहाँ से वापस। बाकी ये डक वाला झूला भी है यहाँ पर, चलो झूला भी झूल सकते हैं और ऊँट की सवारी भी करो। देखो भाई ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो चलिए चलते हैं इधर जो है दर्शन कराते हैं हम आप जी को, शिव जी के और उनके परिवार के। कार्तिक हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती जी भी हैं। देखिए कितना सुंदर जो है ये यहाँ पर बनाए हुए हैं शिव जी, और सामने जो है देख सकते हैं शिवलिंग कितनी सुंदर लग रही है। और इधर से श्रद्धालु दर्शन करते हुए नंदी जी के कान में आप बोलेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, भारत द्वार। ये देखिए कितना जो है सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये भी थोड़ा सा कार्य इसका चल रहा है और देख सकते हैं महादेव, जय श्री राम। देखिए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं भाई। उधर है लाल मंदिर और इधर है भारत द्वार, तो अभी लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। बाकी ये यहाँ पर देख सकते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम, और इधर शेर वगैरह बन रखा है जिसमें कि आप फोटो वीडियो खिंचवा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बाकी ये इधर देख सकते हैं ये राम जी का मंदिर लग रहा है मेरे को, देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी जो है आपको यहाँ पर अद्भुत चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। भारत नमो धाम देखिए कितना बड़ा बना रखा है, और ये लाल मंदिर है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप ट्रैम्पलिन का भी मज़े ले सकते हैं और बच्चे जो हैं आपके इस तरह के झूले जो हैं झूल सकते हैं, देख रहे हो ना। अगर आप यहाँ पर आते हैं इस तरह के झूले आप झूले झूल सकते हैं 50 रुपए के अंदर। इसके अलावा ट्रेन वाले झूले भी हैं, देखो ट्रेन वाला झूला जो है देखो आ रहा। ओ गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। भारत नमो धाम देखिए खुद भी आप चलाते हुए आ सकते हैं, देख रहे हो ना आप कितना सुंदर लग रहा है। हमारी गाड़ी जो है दिल्ली धाम एक्सप्रेसवे आ चुकी है खाटू श्याम जी के दर्शन करने, देख रहे हो ना। घंटिया भी है भाई, बजा सकते हो आप यहाँ पर। बाकी ये वैदिक गुरुकुल है, देख सकते हैं पुराने टाइप से जैसे गुरुकुल हुआ करते थे उसी टाइप से जो है ये पूरा जो है डिज़ाइन किया गया है। तो देख सकते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम आकर हमें काफ़ी जो आनंद आया। घंटिया वगैरह कितनी अच्छी लगती है, देख रहे हो ना। सारे श्रद्धालु जो हैं दर्शन कर रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है। ये देखिए हमारी गाड़ी जो है दिल्ली धाम खाटू श्याम के दरबार में जो है आ चुकी है, देख सकते हैं आप भाई। ये है बुल राइड है, देख रहे हो ना, ये बुल राइड करने हैं। देखिए कितने खुश कर रहे हैं, हंसी आ रही है। तो ये बुल राइड होती है, इसमें ये गोल घूमता है उसके बाद ये गिरा देगा एकदम से। ओ भाई घूमने लग गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा। तो आप यहाँ पर आकर इस तरह से भी झूले वगैरह झूल सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको भूख तो लगी गई होगी, तो भूख का निवारण करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सारी वैरायटी है। 30 रुपए में आपको समोसे और बाकी सारी चीज़ें छोले भटूरे वगैरह सारी वैरायटी है। आइसक्रीम से लेकर आपको बटर शेक, जूस वगैरह कुछ भी अगर वैरायटी चाहिए तो आप यहाँ पर जो आकर खाना पीना खा सकते हैं। पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, बैठने की पूरी व्यवस्था है। उधर बैठ के आप अपना खाना पीना खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, टिक्की, कुछ भी वैरायटी चाहिए, छोले भटूरे। इस तरह से देखिए प्लेट भर के लेके जा रहे हैं, देख रहे हो ना। बाकी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, गौ माता बनी हुई है सामने, और इधर है गौशाला। तो ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है गांव से रिलेटेड है, देख सकते हैं। ये गौशाला है, देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा सम्मान किया जाता है गौ का, देख सकते हैं। और ये जो है ना इस तरफ ये कृष्ण की नगरी है, देख सकते हैं कृष्ण जी हैं सामने। तो दिखाता हूँ मैं इधर, पहले इधर आपको दिखा देते हैं। देखिए गौ माता,
तो यहाँ दर्शन कीजिए, देखिए ये पूरा पर्वत उठा लिया है कृष्ण जी ने एक उंगली से, और ये ग्वाले हैं और गांव के जो है लोग, पूरा ये दृश्य जो है हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए सारे जो है काफ़ी खुश हैं, और खाना पीना खा लीजिएगा यहाँ पर आप। तो 6 रुपये की जो प्लेट है वो 60 रुपये की है, जो टेस्ट करके बताते हैं कैसी होगी। गाइस काफ़ी टेस्टी है, आप भी यहाँ पर आते हैं तो छोले भटूरे जरूर ट्राई करना भाई, देख रहे हो ना सारे बैठ के ट्राई कर रहे हैं भाई। बाकी ये दिल्ली धाम का जो है तोरण द्वार आप देख सकते हैं, और सामने हम आपको उस तरफ जो है दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे खाटू श्याम जी के, देख सकते हैं जो सेम जो है राजस्थान वाला जो है खाटू श्याम जी का जो वो बना हुआ है तोरण द्वार, सेम वैसा ही यहाँ पर भी दिल्ली धाम में भी जो है बन चुका। देखिए कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हमने भी दर्शन कर लिए, तोरण द्वार दिखा दिया, इस वाले रास्ते से होते हुए आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तो देख के लिया होगा आपने। और यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता, बाकी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। और एक रास्ता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप खिलौने वगैरह फूल वगैरह आपको चाहिए तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, देख सकते हो ना, यहाँ पे बैठकर आप खाना पीना खा सकते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अगर वो चाहिए प्रतिमाएँ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बिंदियाँ वगैरह हैं और बच्चों के खिलौने वगैरह भी हैं और मोर के पंख वगैरह, अगर कोई सी वैरायटी इसमें से चाहिए तो आपको यहाँ पर आकर ले सकते हैं, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने आपको खाटू श्याम जी के दिल्ली धाम के दर्शन करा दिए, काफ़ी आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।